Hello friends, I am Nursing Panda. Welcome all of you to my YouTube channel Yomo Tutors. यहाँ पर मैं basically mathematics के बारे में बताऊँगा. So आप लोग मेरे वीडियो देखिए और अगर आप लोग अच्छा लगता है तो please like and share कीजिए और मेरे चैनल Yomo Tutors में आप लोग का स्वागत रहेगा. आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी मैं YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा. थैंक यू. हेलो दोस्तों, नमस्कार. आप लोगों का सब स्वागत है मेरा चैनल Yomo Tutors में. मैं नरसिंह पंडा आप लोगों का स्वागत करता हूँ. और आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो क्लास एट चैप्टर टू है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द टू नंबर्स आर 74. ओके, सम हमारा टू नंबर्स का 74 दिया है. वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, देन व्हाट आर द नंबर्स. ओके, यहाँ पे एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 10 मोर है, ज़्यादा है, तो क्या नंबर होगा. तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा. सपोज द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर नंबर इज, सपोज स्मॉलर नंबर इज x. मैं स्मॉलर नंबर जो है उसको x ले लिया, ठीक है. तो जो लार्जर नंबर रहेगा अदर नंबर, वो क्या होगा, अदर नंबर इक्वल टू x प्लस 10 होगा, क्योंकि वो 10 मोर देन द अदर, मोर देन द अदर दिया है, ठीक है. तो एक नंबर अगर मैं x लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 10 होगा. ओके, लेकिन ये दोनों का समेशन कितना दिया है, 74 दिया है, ठीक है. तो समेशन 74 मतलब क्या है, समेशन इक्वल टू 74, इसका मतलब क्या है, x और x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 74. सो कितना हो गया, x प्लस x 2x प्लस 10 इक्वल टू 74. सो 2x कितना होगा, 74 माइनस 10, 10 इस साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस होगा, उल्टा होगा. तो कितना हो जाएगा, 64. सो x कितना होगा, 64 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय था तो ट्रांसपोज हो जाएगा RHS में, तो ये डिवाइडेड मल्टीप्लाइड से डिवाइड बाय हो जाएगा. तो 2 को कट कर लो, अभी कितना होगा, 2 3 6, 2 2 4, तो x इक्वल टू 32 आ गया. तो x 32 आया, तो मतलब एक नंबर मेरा 32 आ गया. तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो x प्लस, देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 32 प्लस 10 इक्वल टू 42 आ गया. अब देखो 32 प्लस 42 दोनों का समेशन कितना होगा, 4 और 3 7, तो 74 ही आ रहा है. तो बराबर है मेरा आंसर. तो एक 32 है, उससे 10 दूसरा नंबर बड़ा है, तो 42 आ गया. ओके, देखते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है. व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. तो अभी देख क्या दिया है, ट्वाइस द रेशनल नंबर, मतलब ये जो नंबर है, ये जो इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, इसका ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा. ओके, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद जो नंबर आएगा उसको किस नंबर से हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सपोज द नंबर इज एक्स, तो एक नंबर को मैंने ले लिया, सपोज दिस इज x, तो दूसरा नंबर क्या है, ट्वाइस द नंबर -7/3, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ -7/3, तो कितना होगा, 2 × -7/3 दैट इज इक्वल टू -14/3, ठीक है. तो दोनों नंबर का एडिशन होगा कितना, 3/7. सो x प्लस -14/3 इक्वल टू कितना होगा, 3/7. तो यहाँ पे देखो x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -14/3 इक्वल टू 3/7. सो x इक्वल टू 3/7, ये माइनस इधर
जो अगर 14/3 माइनस में था, इधर अगर चला जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। सो 14/3 प्लस हो जाएगा। सो इसको देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 7 और 3 का 21, ठीक है। तो 7 × 3 जा 21, सो 3 × 3 भी यहाँ पे हो जाएगा। देखो 7 × 3 = 21, तो यहाँ पे 3 × 3 भी हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, प्लस को प्लस रह गया। यहाँ पे 3 × 7 = 21, तो यहाँ पर भी 14 × 7 हो जाएगा, तो 14 × 7 कितना हो जाएगा, 98। तो कितना आ गया, 107/21, बराबर है। तो 107/21 जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। दिस विल द आंसर एक्स, एक्स जो रहेगा ये आंसर ये रहेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 × 3/4 cm, फाइंड द लेंथ। वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये सिंपल है, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, ओके। तो यहाँ पे विड्थ मतलब क्या है, उसका ब्रेथ है। सो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर, ओके। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। सो 2 × लेंथ को एल लिख दिया मैंने, और ये विड्थ यानी ब्रेथ दिया हुआ है 2 × 3/4 cm, ओके। सो 13 सेंटीमीटर जैसे कि तैसा रहेगा इक्वल टू 2 × लेंथ + इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना होगा, 4 × हो जाएगा ये, 4 × 2 ये प्लस हो जाएगा। सो 4 × 2 = 8 + 3 = 11/4 cm। सो दिस इम्प्लाइज, अभी अगर मैं खाली एल प्लस 11/4 निकालूंगा तो क्या होगा, एल प्लस 11/4 अगर मैं इतना ही निकालूंगा तो 2 जो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे था वो RHS से अगर LHS हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा, बराबर है। सो 13/2 cm इक्वल टू एल प्लस 11/4 cm। सो दिस इम्प्लाइज एल, एल को अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैं ये 11/4 को मैं इधर ले आऊंगा RHS से LHS में, तो ये पहले क्या था, प्लस में था, तो अभी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 13/2 cm माइनस 11/4 cm, ठीक है। तो इसका देखो 2 और 4, इसको सेंटीमीटर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 और 4 ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 = 4, सो 13 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26। माइनस ये देखो 4 × 1 = 4 है, तो 11 × 1 ही रहेगा, तो 11 हो गए। सो 26 - 11 कितना हो जाएगा, 15/4। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो कितना करोगे, कैसे करोगे, देखो 15/4 कर लो। सो मैक्सिमम कितना जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 = 12। सो बाकी कितना बचा, 3। तो ये देखो, ये यहाँ से ये मल्टीप्लाइड बाई होगा और ये एडिशन होगा, ये मल्टीप्लाइड और ये एडिशन, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, 3 फुल, ये फुल हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाई हो रहा है, 3 फुल, एंड ये प्लस होगा तो ये ऊपर रहेगा, ये न्यूमरेटर में रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो 4 है, ये ऐसा फॉर्म है, 3 × 4। अभी देखो 4 × 3 = 12 हो गया, 12 + 3 = 15 हो गया, 15/4, तो 15/4 है ये, तो ये हमारा लेंथ आ गया, एंड दिस विल द आंसर। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 15/4 cm और
3 upon 4 सेंटीमीटर। दिस विल बी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है योमो ट्यूटर्स। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।